सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मशीन डिजाइन वन सब्जेक्ट, दैट इज MD1, है ना। तो MD1 में आज हम लोग सीखने वाले हैं बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग सीखने वाले हैं ना। तो बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग का हम लोग आज प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ओके, तो चलो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मई 2009 में पूछे वाला प्रॉब्लम है मुंबई यूनिवर्सिटी का, है ना। तो चलो प्रॉब्लम का यहाँ स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। क्या बोल रहा है, डिजाइन ए बुश पिन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग फॉर कनेक्टिंग ए रिडक्शन गियर बॉक्स शाफ्ट टू ए स्टोन क्रशर शाफ्ट, है ना। आगे क्या बोल रहा है, यूनिट इज ड्रिवन बाय 720 आरपीएम मोटर, है ना, थ्रू ए 5:1 रिडक्शन गियर बॉक्स। ओके, अब क्या बोल रहा है, चूज द टाइप ऑफ कपलिंग, राइट ऑल द डायमेंशन एंड डिजाइन द शाफ्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को दो चीज दिया है। एक तो क्या दिया है, आरपीएम दिया है मोटर का। एक मोटर है और मोटर से ड्राइव हो रहा है, किसको ड्राइव कर रहा है मोटर, मोटर ड्राइव कर रहा है स्टोन क्रशर को, है ना। स्टोन क्रशर का शाफ्ट है, उसको मोटर ड्राइव कर रहा है। और यहाँ पे रिडक्शन गियर दिया है, 5:1 का रिडक्शन गियर है वो गियर बॉक्स का, जिस जो बीच में गियर बॉक्स है, है ना। मतलब सिंपली मोटर का जो स्पीड है वो 720 आरपीएम है, है ना। तो यहाँ पे हम लोग गिवन डाटा में इस तरह से लिख सकते हैं कि एन स्पीड ऑफ मोटर इज 720 आरपीएम, है ना। लेकिन हम लोग को मोटर का डिजाइन करना है क्या, नहीं, है ना। बीच में जो कपलिंग आने वाली है, कपलिंग कहाँ पे, गियर बॉक्स के बाद है, स्टोन क्रशर में कपलिंग है ना, तो वहां का शाफ्ट का हम लोग को डिजाइन करना है। तो स्पीड ऑफ शाफ्ट जो है, स्पीड ऑफ शाफ्ट वो कितनी रहेगी, उसके लिए इसको प्रॉब्लम में हम लोग को देखो एक स्पेसिफिक दिया है कि मोटर थ्रू 5:1 रिडक्शन गियर, है ना। रिडक्शन गियर मतलब उसकी स्पीड कम होने वाली है, मोटर की जो स्पीड है वहां से जो स्टोन क्रशर के शाफ्ट पे स्पीड आएंगी वो कम होने वाली है। और कितना कम होगी, 1:5 के रेशो से। मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एन स्पीड इज इक्वल टू ऑफ द शाफ्ट 720 डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि 5 टाइम्स रिड्यूस होने वाली है स्पीड जब वो शाफ्ट तक आएगी, मोटर से जब तक वो शाफ्ट तक आएगी स्पीड वो कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। ओके, इस तरह से स्पीड ऑफ कपलिंग शाफ्ट क्या हो जाएगी, 720 बाय 5, दैट इज 144 आरपीएम। ओके, अब और इस प्रॉब्लम में हम लोग को यहाँ पे किसी भी टाइप का अलायबल स्ट्रेसेस नहीं दिए, स्ट्रेसेस इन अलायबल स्ट्रेसेस इन क्रशिंग, इन शेयर, इन टेंशन कोई भी नहीं दिया है ना। उसके बाद दूसरी चीज हम लोग को यहाँ पे ना टॉर्क दिया है, ना मोटर का पावर दिया है, है ना। तो समय पहले हम लोग को ये सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, है ना। तो समय फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, समय फर्स्ट हम लोग अप्लीकेशन फैक्टर को अज्यूम कर लेते हैं, के ए, है ना। अप्लीकेशन फैक्टर वी आर अज्यूमिंग एज ए 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अज्यूम करते हैं पावर, पावर ऑफ अ मोटर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 3 किलोवाट, 3 किलोवाट पावर ले लेंगे। ओके, अब हम लोग को सब में पहले फ्लेंज शाफ्ट एंड की और पिन्स के लिए हम लोग मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लेंज के लिए मटेरियल सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सुटेबल मटेरियल सेलेक्ट करेंगे फ्लेंज के लिए। तो फ्लेंजेस के लिए हम लोग डिजाइन डाटा बुक से मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेंजेस के लिए मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग ग्रे कास्ट आयरन, है ना। तो ग्रे कास्ट आयरन सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें भी आयरन FG150 सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखो FG150 के लिए वहां पे हम लोग को डाटा बुक से इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ और अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज SUT का वैल्यू है 150 Nm², है ना। ये वैल्यू डाटा बुक में दिया है हम लोग को, है ना। उसके बाद अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ SUC का वैल्यू दिया हम लोग को 600 Nm², है ना, डाटा बुक में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है हम लोग को शेयर स्ट्रेंथ, तो SUS अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू है 175 Nm², है ना। तो ये सारे वैल्यू को अल्टीमेट स्ट्रेंथ के वैल्यू, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के वैल्यू मिल गए। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को डिजाइन करने के लिए अलायबल स्ट्रेसेस चाहिए, है ना। तो अलायबल स्ट्रेसेस निकालने के लिए हम लोग को सुटेबल सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरल जो हम लोग यूज करते हैं वो 5 है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 5 अज्यूम कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे लगे आ, तो हम लोग इसके अलायबल स्ट्रेसेस भी निकाल लेते हैं ना। तो अलायबल स्ट्रेसेस इन टेंशन दैट इज σt, तो σt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, SUT डिवाइडेड बाय FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो SUT का वैल्यू कितना है, 150 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो यहाँ पे अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया, 30 Nm², है ना। तो ये मिल गया हम लोग को अलायबल टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोग को अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का भी वैल्यू निकालना है ना।
तो क्रशिंग स्ट्रेस का निकाल लेते, देखो अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस यू सी है ना, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, तो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस हमारा कितना है 600 है डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। अब इसी तरह से लास्ट हम लोग को अलायबल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू भी निकाल लेना है ना, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, तो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस कितना है हमारा ये है 175 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो अलायबल शेयर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। तो इस तरह से हम लोग को फ्लेंजेस के लिए सारे के सारे अलायबल स्ट्रेसेस के वैल्यू मिल गए, इन टेंशन इन क्रशिंग एंड इन शेयर के वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल चुके हैं। ओके और ये है शाफ्ट एंड की है ना, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले सब में फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आगे हम लोग को प्रॉब्लम में काम में आएंगे। तो ये अलायबल टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आई 30, अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ गई हमारी 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऑब्वियसली है ना, और उसके बाद शेयर की कितनी आ गई टाउ की वैल्यू हम लोग को मिली है कितनी 35 है ना, तो tau is equals to 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो अभी नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग को मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा है ना, करना पड़ेगा शाफ्ट एंड की के लिए है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं शाफ्ट एंड कीज है ना, तो शाफ्ट एंड की के लिए जनरली होता है हम लोग प्लेन कार्बन स्टील है ना, तो प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन स्टील दैट इज 45C8 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके तो इसका हम लोग को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू हम लोग को डाटा बुक से मिल जाएगा दैट इज SYT, तो ये कितना है इट इज 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब इसके हम लोग अलायबल स्ट्रेसेस के वैल्यू निकालते हैं है ना, तो सब में पहले क्या करेंगे इन टेंशन है ना, तो सिग्मा टी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो सिग्मा टी के लिए क्या करना है हम लोग को सिंपल SYT yield tensile strength divided by factor of safety है ना, तो yield tensile strength कितना है 350 divided by factor of safety है 5, तो देखो 350 divided by 5 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, तो ये मिल गया हम लोग को अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू मिल गया है ना। अब उसके बाद सेम अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या रहेगा SYC डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, तो अब देखो SYC इज इक्वल टू क्या होता है SYC इज नथिंग बट 1.2 टाइम्स ऑफ यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, तो 1.2 टाइम्स SYT का वैल्यू हम लोग को पता है 350 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 5 है ना, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा 84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये मिल गया अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू है ना। अभी सेम वे अलायबल शेयर से दैट इज टाउ का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा SYS डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, S इज 50% ऑफ SYT, 50% होता है जैसे कि हम लोग को पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50% मतलब 0.5 SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, तो 0.5 इंटू SYT का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 350 है डिवाइडेड बाय 5 दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे टाउ दैट इज अलायबल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को इसको कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, तो ये मिल गया अलायबल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू। ओके नेक्स्ट पिन के लिए भी हम लोग को ऐसे अलायबल स्ट्रेसेस के वैल्यू निकालना है ना, तो समय पहले ये जो वैल्यू निकाले इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम लोग को आगे ये काम में आएंगे कैलकुलेशंस के लिए है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, सिग्मा टी का वैल्यू आ गया हमारा 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, उसके बाद सिग्मा सी का वैल्यू आ गया हमारा 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसके बाद टाउ का वैल्यू आ गया हमारा 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके दिस इज फॉर फ्लेंज, ये फ्लेंज के लिए था, और ये किसके लिए है ये शाफ्ट एंड कीज के लिए है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इट इज फॉर शाफ्ट एंड की। ओके अब नेक्स्ट निकालना है हम लोग को पिन के लिए है ना, तो पिन के लिए निकालने से पहले सब में फर्स्ट इस कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं है ना,
अब पिन के लिए हम लोग को सुटेबल सा मटेरियल सेलेक्ट करना होगा। के लिए जो हम लोग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे वो अलॉय स्टील रहेगा, है ना। जनरली अलॉय स्टील ही यूज करते हैं हम लोग पिन के लिए मटेरियल, है ना। तो अलॉय स्टील में स्टील हम लोग यूज करेंगे 30 Ni 16 Cr5, है ना। तो 30 Ni 16 Cr5 ये हमारा अलॉय स्टील का मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो इस अलॉय स्टील के लिए अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू दैट इज SYT का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे डाटा बुक में दिया हुआ है, विच इज 1250 Nm/mm², है ना। तो ये SYT यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके भी हम लोग को सारे के सारे अलायबल स्ट्रेसेस के वैल्यू यहाँ पे निकालने हैं। तो सबसे पहले अलायबल टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, σt विच इज इक्वल टू SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1250 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 250 Nm², है ना। अब नेक्स्ट निकालते हैं क्रशिंग के लिए, तो अलायबल स्ट्रेस इन क्रशिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वापस वही 1.2 times SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि SYC क्या होता है 1.2 times SYT होता है ना। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया तो क्या हो जाएगा 1.2 into 1250 divided by factor of 55। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 375 Nm². अब सेम वे हम लोग अलायबल शेयर स्ट्रेस का भी वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज टाउ, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SYS डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। अब SYS क्या होता है, 50% ऑफ SYT होता है ना। तो 0.5 SYT divided by factor of 55, है ना। तो अगेन 0.5 into 1250 divided by factor of 55, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अलायबल शेयर से इसका वैल्यू मिल जाएगा 125 Nm², है ना। अब ये भी सारे वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सब में पहले टेंसाइल स्ट्रेस, अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर पिन कितना मिल गया, 250 Nm², अलायबल क्रशिंग स्ट्रेस σc का वैल्यू मिल गया हम लोग को 375 Nm², है ना। और टाउ दैट इज शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को मिला है 125 Nm². ओके, ये सारे वैल्यूज मिल गए हम लोग को पिन के लिए, है ना। तो अब सारे के सारे अलायबल स्ट्रेसेस के वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, पावर हम लोगों ने अज्यूम किया है मोटर का, उस पावर से हम लोग को टॉर्क की वैल्यू निकालनी है ना। फिर टॉर्क की वैल्यू निकालने के बाद KA एप्लीकेशन फैक्टर है हमारे पास, Tmax की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सब में पहले इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, रफ कर दिया। सब में फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, पावर का फॉर्मूला है हमारे पास 2πNt/60, है ना। पावर यहां से टॉर्क निकालना है, ये टी मीन होता है जो न्यूटन मीटर में होता है हम लोग को पता है। तो टॉर्क के फॉर्म में फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो, P × 60 / 2πN। अब पावर कितना है, पावर है 3 kW, इसको वैट में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, × 10⁻³ 3 × 60 डिवाइडेड बाय 2 × π × अब n क्या है, शाफ्ट, है ना। कपलिंग का जो शाफ्ट है उसकी स्पीड चाहिए, विच इज इक्वल टू 144, है ना। तो यहाँ पे 144 पुट कर दो, तो यहां से हम लोग को टॉर्क दैट इज टी मीन टॉर्क की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी 198.94 Nm में मिल गया, है ना। अब सबसे पहले इस मीन टॉर्क को मैक्स टॉर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कपलिंग में हमेशा हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क पे डिजाइन करना है। ओके, तो टी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टी मैक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, के ए एप्लीकेशन फैक्टर इंटू टी मीन, है ना। ये हम लोगों ने टॉर्जन में सॉम में किया है, हम लोग को पता है ना। तो के का वैल्यू हम लोगों ने अज्यूम किया है यहाँ पे 2, है ना। तो 2 × T mean का वैल्यू है 198.94, है ना। तो यहां से हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क दैट इज टी मैक्स का वैल्यू मिल जाए 397.88 Nm, है ना। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 397.88 × 10⁻³ 3 Nm, क्योंकि हम लोग को ये न्यूटन एमएम में चाहिए,
आगे के फर्दर कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो यहां से हम लोग को टॉर्क मिल गया। अब बढ़ते हैं डिजाइन प्रोसीजर की तरफ। फर्स्ट स्टेप हम लोग को करना है टू फाइंड आउट दी शाफ्ट डायमीटर, है ना। तो डिजाइन दी शाफ्ट, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डिजाइन दी शाफ्ट। तो डिजाइन दी शाफ्ट में हम लोग को शाफ्ट का डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को डायमीटर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टाउ मैक्स, है ना। शेयर का शेयर से इसका टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 16 टी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई इनटू डी क्यूब। ये डी क्यूब का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेके आ जाओ, है ना। तो डी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू टी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू टाउ मैक्स, है ना। अलावा शेयर स्टेस, तो देखो यहाँ पे 16 इंटू टी मैक्स का वैल्यू कितना है, अभी निकाला हम लोगों ने 397.88 इंटू 10^3 होल डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू, तो हम लोग को कैल्सी से मिल जाएगी। अब टाउ मैक्स की वैल्यू क्या है, शाफ्ट के लिए हम लोगों ने डिजाइन किया है, देखो की एंड शाफ्ट के लिए टाउ मैक्स का वैल्यू कितना है, 35, है ना। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है आपको, 35। ओके, अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को डी क्यूब का वैल्यू मिलेगा, है ना। फिर उसका क्यूब रूट ले लेंगे तो डी या दैट इज डायमीटर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 38.68, है ना, विच इज इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू 40 mm, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं 40 mm, है ना। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हम लोग मिल गया यहाँ पे हम लोग को, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, डायमीटर इज 40 mm, है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज डिजाइन ऑफ की, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए इस वाले कैलकुलेशन को रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज डिजाइन ऑफ की। तो डिजाइन ऑफ की, है ना। अब डिजाइन ऑफ की करने के लिए, डिजाइन ऑफ की मतलब क्या, सिंपली की के डायमेंशन निकालना, विड्थ हाइट और लेंथ निकालना। देखो अब विड्थ और हाइट निकालने के लिए हम लोग को ये नहीं पता है कि हमारा जो की है वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, है ना। तो हम लोग अज्यूम करेंगे स्क्वायर की, क्यों, क्योंकि उससे हमारा स्टेप कम हो जाएगा, है ना। विड्थ और हाइट दोनों सेम हो जाएगी, तो वी आर कंसिडरिंग एज ए स्क्वायर की। तो स्क्वायर की के लिए क्या हो जाएगा, विड्थ और हाइट बोथ आर इक्वल्स टू डी बाय 4, है ना। डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइड बाय 4, और डायमीटर ऑफ शाफ्ट है हमारा 40, तो 40 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 10 mm, है ना। तो देखो विड्थ और हाइट दोनों के दोनों मिल गए हम लोग को 10 mm। अब निकालना है लेंथ ऑफ द की। अब देखो लेंथ ऑफ द की निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं ना, और तीनों फॉर्मूले से हम लोग को लेंथ निकालना है, और तीनों में से जो मैक्सिमम लेंथ रहेगी उसको आगे हम लोग को कंसिडर करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहला होता है हमारा बाय प्रोपोर्शन, है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेंथ निकालेंगे बाय प्रोपोर्शन, एल इज इक्वल टू क्या होता है, 1.5 डी, है ना। That is 1.5 into 40, which is equals to 60 mm, है ना। तो first length of key मिल गई हम लोग को 60 mm, है ना। अब second length of key निकालना है हम लोग को in crushing, that is sigma c. Sigma c का formula क्या होता है, 4 T max divided by DHL, है ना, where L is the length of shaft जो हम लोग को निकालना है ना। तो length of shaft के form में formula को convert कर दो, तो देखो L is equals to क्या हो जाएगा, L इधर आ गया, है ना। तो L is equals to क्या हो जाएगा, 4 into T max divided by D into H, है ना। L के जगह पे क्या आ जाएगा, इधर सिग्मा C आ जाएगा, है ना। अब ये सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 4 into, देखो T max का वैल्यू कितना है, 397.84 into 10^3 था, राइट। उसके बाद डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है 40 H, हाइट और विड्थ दोनों सेम है 10 mm, और सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस, देखो पिन के लिए, है ना, हम लोग की कर रहे हैं ना, तो की और शाफ्ट के लिए दोनों सेम था, क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा सी की वैल्यू है 84, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 84, है ना। तो यहाँ से हम लोग को लेंथ ऑफ द की का सेकंड वैल्यू मिल जाएगा 47.37 mm, है ना, विच इज सम इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं 48 mm है। ओके, अब थर्ड लेंथ की वैल्यू हम लोग को, लेंथ ऑफ की वैल्यू हम लोग को मिलेंगी इन शेयरिंग के लिए, है ना। तो शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाउ इज इक्वल टू 2 T max डिवाइडेड बाय DW इनटू L, है ना, वेयर L इज द लेंथ ऑफ की, है ना। तो ये लेंथ ऑफ की को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 T max डिवाइड बाय DW, L इधर गया तो टाउ इधर आ जाएगा ना, शेयर से टाउ इधर आ गया। अब देखो सारे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका
टॉर्क का वैल्यू कितना है 88 × 10⁻³ डिवाइड बाय डी डायमीटर ऑफ द शाफ्ट 40 है, विड्थ ऑफ द की डब्ल्यू और विड्थ और हाइट दोनों सेम है कितने हैं 10 है ना। अब देखो टाउ का वैल्यू किसके लिए, की के लिए, की के लिए टाउ का वैल्यू देखो, ये देखो की के वैल्यूज है ये सारे है ना, तो टाउ का वैल्यू कितना है 35 है, तो यहाँ पे इसको 35 फुट कर दो है ना, तो यहां से हम लोग को लेंथ ऑफ की वैल्यू इन शेयरिंग मिल जाएगी 56.84 है ना, विच इज सम इक्वल्स टू 57 mm है ना, इसको 57 mm हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं है ना। अब देखो तीन लेंथ के वैल्यू, लेंथ ऑफ की के वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिले कौन सा पहले 60, 48 और 57, तो तीनों में मैक्सिमम कौन सा है 60 है, तो 60 को हम लोग को सेलेक्ट करना है ना, तो लेंथ ऑफ की वैल्यू हम लोग को मिली है 60, यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में, तो ये 60 को हम लोग को आगे सेलेक्ट करके आगे का डिजाइन करना है। ओके तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ है ना, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले ये वाला कैलकुलेशन सारा मिटा देते हैं हम लोग, ताकि आगे का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर पाए। तो थर्ड स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 है हमारा डिजाइन ऑफ हब है ना, तो डिजाइन ऑफ हब करना है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ हब इज इक्वल टू लेंथ ऑफ की होता है which is equals to 60 mm, okay, next होता है outer diameter of the hub that is denoted by capital D which is equals to 2 times of small d that is equals to diameter of the shaft है ना, तो 2 into diameter of shaft मतलब 2 into 40 which is equals to 80 mm हो जाएगा है ना, तो outer diameter of the hub मिल गया हम लोग को 80 mm। next step is to check the hub for shear stress, shear failure के लिए हमको hub को check करना है, तो उसके लिए shear stress का formula है हमारा tau h, shear stress of hub का formula है हमारे पास यहाँ पे tau h is equals to 16 t max divided by pi into capital D cube है ना, 1 minus k raised to 4 है ना, फिर k क्या होता है, k is the internal diameter by external diameter का ratio होता है, मतलब small d by capital D का ratio होता है वो, which is equals to 0.5, हमेशा 0.5 इसकी value होती है standard value, okay, तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे है ना, और ये जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है हब की वो हम लोग निकालेंगे है ना, और उसको चेक करेंगे, तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी है 397.88 × 10⁻³ है ना, ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मिल गई हम लोग को पाई, कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पे मिली 80 है ना, तो 80 का क्यूब यहाँ पे 1 - 0.5 raised to 4 है ना। अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, तो हम लोग को शेयर स्ट्रेस इन हब की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी 4.22 newton per mm square है ना, विच इज लेस देन द अलाइबल शेयर स्ट्रेस वैल्यू, अलाइबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 35 है ना, तो 35 है और न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, उससे ये वैल्यू कैसी है कम है, मतलब हमारा डिजाइन क्या है, डिजाइन हमारा सेफ है ना, इन हब हमारा डिजाइन सेफ है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप होता है डिजाइन ऑफ फ्लेंज है ना, तो डिजाइन ऑफ फ्लेंज के लिए ये सारा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं है ना? और यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप नंबर 4 दैट इज डिजाइन ऑफ फ्लेंज, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिजाइन ऑफ फ्लेंज है ना, तो डिजाइन ऑफ फ्लेंज में सब में फर्स्ट हम लोग को निकालना है थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ना, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज को हम लोग डिनोट करते हैं टी एफ से, थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज ऑलवेज 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है ना, तो दैट इज 0.5 × 40 है ना, विच इज इक्वल्स टू 20 mm है ना, तो ये मिल गया हम लोग को थिकनेस ऑफ फ्लेंज। नेक्स्ट होता है थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव फ्लेंज है ना टीपी है ना, विच इज इक्वल्स टू 0.25 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दैट इज 0.25 × 40 विच इज इक्वल्स टू 10 mm है ना, तो ये मिल गया थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव फ्लेंज। नेक्स्ट अब हम लोग को चेक करना है फ्लेंज को शेयर फेल्योर के लिए ना, शेयर फेल्योर को के लिए फ्लेंज को हम लोग को चेक करना है, तो उसके लिए टाउ एफ दैट इज शेयर स्ट्रेस इन फ्लेंज का फॉर्मूला है हमारे पास, टाउ एफ इज इक्वल टू 2t max डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी एफ है ना, ये होता है शेयर स्ट्रेस इन फ्लेंज का फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, 2 × tau t max दैट इज मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी है 397.88 × 10⁻³ है ना, डिवाइड बाय पाई इंटू डी, अब कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 80 है ना, यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने लास्ट 80 है, तो 80 का होल स्क्वायर है ना इंटू टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज, टी एफ की वैल्यू कितनी है 20 है। अब देखो ये सारे के सारे वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे,
तो हम लोग को शेयर स्ट्रेस इन फ्लेंज का वैल्यू यहां पे मिल जाए 1.975 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना, विच इज अगेन लेस देन द अलाइबल शेयर स्ट्रेस दैट इज 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हेंस आवर डिजाइन इज सेफ इन फ्लेंज आल्सो, है ना, तो फेल्योर शेयर फेल्योर फ्लेंज का भी नहीं होगा इसका मतलब, है ना, तो हमारा डिजाइन यहाँ पे भी सेफ है ना। तो अब बढ़ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज आवर फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, है ना। तो स्टेप नंबर 5 क्या होता है यहाँ पे, स्टेप नंबर 5 इज डिजाइन ऑफ पिन, है ना। तो डिजाइन ऑफ पिन अब हम लोग को यहाँ पे करना है, डिजाइन ऑफ पिन, तो डिजाइन ऑफ पिन में सब में फर्स्ट हम लोग को नंबर ऑफ पिन हम लोग को सेलेक्ट करना, विच इज बेस्ड ऑन अवर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, है ना। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हमारा कितना है, 40 mm, है ना। तो 40 mm के हिसाब से नंबर ऑफ पिन स्मॉल एन या कैपिटल एन से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पिन हम लोग सेलेक्ट करेंगे 6, ओके। तो अकॉर्डिंग टू अवर डायमीटर नंबर ऑफ पिन ले लेंगे हम लोग 6, है ना। तो अब हम लोग को निकालना है नेक्स्ट नॉमिनल डायमीटर ऑफ पिन, है ना। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ पिन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डीबी से, है ना, इसका फॉर्मूला है 0.5d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, है ना। तो 0.5 इंटू डी की वैल्यू है डायमीटर 40, है ना, अंडर रूट ऑफ n दैट इज अंडर रूट ऑफ 60, है ना। तो यहां से नॉमिनल डायमीटर ऑफ पिन का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 8.16 mm, है ना। तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 10 mm, है ना। तो इट सम इक्वल्स टू 10 mm, तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ पिन का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे 10 mm, ओके। तो नेक्स्ट निकालते हैं डायमीटर ऑफ इनलार्ज पोर्शन ऑफ पिन, है ना। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं D1 से, तो D1 इज इक्वल टू क्या होता है DB+4 दैट इज 10+4 विच इज इक्वल टू 14 mm, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को डायमीटर ऑफ इनलार्ज पोर्शन। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हम लोग को आउटर डायमीटर ऑफ रबर बुश, है ना। तो आउटर डायमीटर ऑफ रबर बुश जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D2 से, तो D2 क्या होता है, D2 इज सिंपल D1+16, है ना। तो D1 है हमारा 14, तो 14+16 विच इज इक्वल टू 30 mm, है ना। तो ये हो गया आउटर डायमीटर ऑफ रबर बुश। नेक्स्ट निकालते हैं डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल, है ना। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D1, है ना, विच इज इक्वल कैपिटल D+D2+16, है ना। तो कैपिटल डी का वैल्यू है हमारे पास 80, प्लस D2 है 30 और +16, है ना। तो इसको टोटल कैलकुलेट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 126 mm, है ना। तो ये मिल गया डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल, है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेंथ ऑफ द बुश इन फ्लेंज, है ना। लेंथ ऑफ बुश निकालना है हम लोग को, है ना। तो लेंथ ऑफ बुश के लिए हम लोग को बेयरिंग प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है। तो बेयरिंग प्रेशर का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम लोग को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम दिया नहीं। तो बेयरिंग प्रेशर दैट इज पीबी का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 1 N/mm², है ना। तो 1 N/mm² होता है, तो ये 1 N/mm² वैल्यू बेयरिंग प्रेशर का यूज करके हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ बुश इन फ्लेंज निकालेंगे, है ना। तो जिसको हम लोग डिनोट करेंगे LB से, है ना। तो बेयरिंग प्रेशर PB इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 2T max डिवाइडेड बाय N इंटू E1 इंटू स्मॉल D2 इंटू ये PB इधर आ जाएगा इसके जगह पे, है ना। अब सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, 2 इंटू देखो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है 397.88 इंटू 10^3, ओके, डिवाइडेड बाय, है ना, एन कितने हैं 6 है, D1 की वैल्यू कितनी है, D1 की वैल्यू मिली 126, ओके, इनटू उसके बाद है D2 की वैल्यू कितनी मिली, D2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 30, उसके बाद बेयरिंग प्रेशर है हमारा 1, है ना। अब ये सारा का सारा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को लेंथ ऑफ बुश इन फ्लेंज की वैल्यू मिल जाएगगी, दैट इज LB इज इक्वल टू कितना मिल गया 35.08, है ना, विच इज सम इक्वल टू 36 mm हम लोग इसको बोल सकते हैं, है ना। तो चलो अब ये मिल गया, अब नेक्स्ट निकालना है हम लोग को स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन पिन, है ना। तो पिन में कौन से स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हम लोग को निकालना है। तो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन पिन निकालने से सब में फर्स्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा फोर्स ऑन ईच पिन, है ना। फोर्स ऑन ईच पिन F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2T max डिवाइडेड बाय N इंटू कैपिटल D1, है ना। तो देखो 2 × T max का वैल्यू हमारे पास 397.88 × 10^3,
होल डिवाइड बाय एन की वैल्यू है 6 और डी वन की वैल्यू 1 की वैल्यू है 126 है ना। अब ये सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो फोर्स ऑन ईच पिन दैट इज एफ की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी 1052.6 न्यूटन है ना। तो ये मिल गया फोर्स ऑन ईच पिन। नेक्स्ट निकालते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन पिन है ना। अब बेंडिंग स्ट्रेसेस इन पिन, बेंडिंग स्ट्रेस इन पिन दैट इज सिग्मा बी इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला होता है इसका एम बाय जेड 32F है ना इन ब्रैकेट एल बी बाय 2+5 है ना होल डिवाइडेड बाय इनटू डी बी क्यूब है ना। अब देखो अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं है ना, नीचे पुट करेंगे। देखो 32 इनटू एफ की वैल्यू है 1052.6 है ना। अब एल बी लेंथ की वैल्यू है 36 तो 36 डिवाइड बाय 2+5 है ना होल डिवाइड बाय पाई इनटू डी बी, डी बी की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 का क्यूब कर लो है ना। अब देखो अब ये सारे का सारा कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस इन पिन का वैल्यू मिल जाएगा 246.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। ये मिल गया बेंडिंग स्ट्रेस इन पिन का वैल्यू है ना। अब इसी तरह से हम लोग को डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन पिन का वैल्यू भी निकालना है ना। तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन पिन दैट इज टाउ का वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू 4F डिवाइडेड बाय पाई इनटू डीबी स्क्वायर है ना। अब देखो 4 इनटू एफ का वैल्यू कितना है 1052.6 है ना डिवाइड बाय पाई इनटू डीबी का वैल्यू है 10 तो 10 का स्क्वायर है ना। तो यहां से हम लोग को इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से हम लोग को डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का वैल्यू इन पिन का वैल्यू मिल जाएगा 13.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। तो ये मिल गया हम लोग को शेयर से डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन पिन का वैल्यू। नेक्स्ट निकालना है हम लोग को प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन पिन है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन पिन में हम लोग को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है ना। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा टी मैक्स। तो सिग्मा टी मैक्स का फॉर्मूला है सिग्मा बी बाय 2+ अंडर रूट सिग्मा बी बाय 2 होल स्क्वायर है ना प्लस टाउ बी स्क्वायर है ना। तो देखो अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। सिग्मा बी दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इन पिन की वैल्यू है 246.6 है ना डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट अगेन सिग्मा बी 246.6 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर है ना प्लस टाउ बी का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 13.4 का होल स्क्वायर इन रूट है ना। अब देखो अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग कैलसी में डाल देंगे इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन पिन का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 247.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना विच इज अगेन देखो पिन के वैल्यू देखो टेंसाइल का कितना है 250 है ना तो विच इज लेस देन दी 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। Hence, the design, our design is safe in sigma t max है ना। तो इसी तरह से अभी हम लोग को maximum shear stress के लिए भी check करना है कि वो भी safe है कि नहीं है pin उसमें भी है ना। तो चलो बढ़ते हैं maximum shear stress that is tau max के लिए। tau max का क्या formula? Under root sigma b by 2 whole square plus tau b square है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम लोग। देखो सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना है इन पिन कितना आया था 246.6 है ना होल डिवाइड बाय 2 है ना इसका होल स्क्वायर प्लस टाउ बी का वैल्यू कितना है 13.4 इसका भी स्क्वायर कर दो है ना। तो देखो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे तो टाउ मैक्स दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन पिन का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 124.04 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। अब देखो अब अलाइवल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना मिला था पिन के लिए 125 है ना। तो ये 125 से कैसा है कम है इट इज अगेन लेस देन दी 125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब अगेन ये है कि डिजाइन हमारा सेफ है शेयर स्ट्रेस के लिए भी और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए भी। ओके तो अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज है ना। आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल D2 से है ना विच इज 2D1-D है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 इंटू D1 की वैल्यू कितनी है 126 है ना और कैपिटल D कितना है 80 है ना। तो देखो 2 इंटू 126 माइनस 80 कर देंगे हम लोग यहाँ पे तो हम लोग को D2 दैट इज 172 mm
है ना। तो इस तरह से हम लोग को हर एक कंपोनेंट के सारे डायमेंशन मिल गए और हर एक कंपोनेंट को हम लोगों ने अलग अलग मोड्स ऑफ फेलियर में चेक भी कर लिया, सारा का सारा डिजाइन हमारा यहाँ पे सेफ है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।